एनपीएस और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष राजन सुशांत ने उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली करे, साथ ही प्रदेश सरकार बेरोजगारी के मामले में भी उचित कदम उठाए। पत्रकार वार्ता के दौरान हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल में सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो 26 जनवरी 2021 को पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नोकझोंक पर सुशांत ने सांसद अनुराग ठाकुर का समर्थन किया और कहा कि पहले हमीरपुर बनाम पालमपुर होता था और अब हमीरपुर बनाम मंडी हो रहा है। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है और बीजेपी सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से असफल हो रही है। सुशांत ने कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए अब एनपीएस सेना में भी लागू कर रही है, जिसमें पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एनपीएस लागू किया गया है तो विधायकों और सांसदों पर भी लागू किया जाए। पहला मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए, 10 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं और 3 लाख कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से आए हैं। हिमाचल सरकार पिछले 8-9 महीने में इनमें से 1% को भी रोजगार देने में बुरी तरह असफल हो गई है। हमारी पार्टी ने भी इसके लिए आवाज़ उठाया, अलग अलग स्थानों पर धरने भी दिए, लेकिन सरकार लापरवाह है, संवेदनशील नहीं है। हमने कहा है एक राज्य में 2 कानून हम नहीं चलने देंगे। अगर आर्थिक तंगी की वजह से 2003 के बाद के कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं रखेंगे तो 2003 के बाद जो विधायक और सांसद चुन के आए उनके ऊपर भी एनपीएस लागू करो। और इसकी शुरुआत मैंने अपने से की, मैं 4 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, लोकसभा मेंबर रहा। मैंने 5 अगस्त 2020 से अपने विधायक की पेंशन भी त्याग दी, सांसद की पेंशन भी त्याग दी और मैंने अपने साथियों से कहा आप भी इस रास्ते पर आओ, सरकार पर दबाव बनो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है बीजेपी और कांग्रेस में। मैं सारे को तो नहीं कहता हूँ, कुछ गरीब लोग भी हैं पूर्व विधायक, शायद उनको और कोई साधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टी में जोड़ के 100 से ज़्यादा पूर्व विधायक पूर्व सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50-50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं दिखाया है। आज मैं उनसे फिर अपील करता हूँ, अगर आपको रत्ती भर भी चिंता है हमारे इन साथियों की तो तुरंत अपनी पेंशन छोड़ दीजिए और समर्थन करिए। राजन सुशांत ने कहा कि 7 दिनों में 7 जिलों में जाकर दौरा किया जाएगा और बाद में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हेलीकॉप्टर और नाच गानों में पूरी तरह से मस्त है, लेकिन सरकार को जनता की फिक्र नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सलाह दी कि अगर एनपीएस के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो मिलकर सलाह ले सकते हैं। कर्मचारियों का आंदोलन 1.5 लाख परिवारों का मसला है, राजन सुशांत और हमारी पार्टी इस आंदोलन को फेल नहीं होने देगी। इसलिए मैंने खुद यह मोर्चा संभाला है पिछले कल से। इन 7 दिनों में 7 जिलों में जा करके राज्यपाल महोदय को मैं मांग पत्र दे रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा। 24 तारीख तक राज्य सरकार ने ये एनपीएस डी नोटिफाई नहीं किया और ओल्ड पेंशन स्कीम नोटिफाई नहीं किया तो 25 तारीख को राज्य की कार्यकारिणी की मैंने एमरजेंसी मीटिंग बुलाया है। अगला सख्त कदम, कड़ा कदम, ऐसा कदम उठाया जाएगा कि प्रदेश सरकार जो हेलीकॉप्टर और नाच गानों में नाटियों में व्यस्त है उसको भूल जाएगी। 1.5 लाख परिवारों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो विधायक और मंत्रियों को इनको भी मैं आराम से रोटी खाने नहीं दूंगा। इसके लिए जयराम तैयार हैं, उनको रास्ता नहीं सूझता है तो मुझसे मिल लें, मैं रास्ता बता सकता हूं। राजन सुशांत ने कहा कि सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए भी केंद्र सरकार लगी हुई है और अगर पूर्व सैनिकों की पेंशन में कटौती की गई तो कतई सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर खतरा बढ़ रहा है और ऐसे समय में सैनिकों का मनोबल गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दकियानूसी नोटिफिकेशन को तुरंत वापस
लिया जाए, नहीं तो पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इन सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए इनकी पेंशन का भी खा, इतने समय के बाद इतने पेंशन काट देंगे, कट लगाने की सोच रहे हैं। मुझे बताइए, इतनी महंगाई के टाइम पर अगर इन पूर्व सैनिकों की पेंशन पर कट लगेगा, बच्चों को कैसे पालेंगे? क्या जो सर्विस में सेवा में है, सियाचिन में है, बीकानेर में है, दूसरी जगह पर है, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? एक और चीन और पाकिस्तान 24 घंटे हमारे लिए खतरा बने हुए, देश की सीमाएं खतरे में। ऐसे समय में आप सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के बजाय कम करने का षड्यंत्र कर रहे हो। मैं भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता हूं, हम ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हम एनपीएस सैनिकों पर लागू नहीं होने देंगे, और इसलिए मैं सरकार से कह रहा हूं, तुरंत ये दकियानुसी जो नोटिफिकेशन है इसको वापस ले जाएं, इस प्रस्ताव को वापस करें, अन्यथा 26 जनवरी 2021 को इस प्रदेश में एक प्रबल आंदोलन की तैयारी हम करेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नोकझोंक पर सुशांत ने सांसद अनुराग ठाकुर का समर्थन किया और कहा कि पहले हमीरपुर बनाम पालमपुर होता था और अब हमीरपुर बनाम मंडी हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आस्ते आस्ते बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। अनुराग ठाकुर को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ हिम्मत दिखाया है सच बोलने का, इस मार्ग पर आगे बढ़े, पर दिल्ली के सम्राट के इशारे पर कहीं रास्ते में दम न छोड़ जाए, ये मुझे खतरा है। आगे बढ़े, हम उनका साथ देंगे। अभी तक दोनों सरकारों ने बहुत नुकसान कर दिया हिमाचल प्रदेश का, और ये लड़ाई कोई अफसरों के नहीं, अफसरों को तो बीच में बिना मतलब के परेशान करने की कोशिश हो रही है। किस अफसर की हिम्मत है कि म्यूटेशन नहीं होने देंगे? मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, एक घंटे का काम नहीं है, अफसरों को तो रोका जाता है। रोकने वाले कौन है? पहले पालमपुर वर्सेस हमीरपुर होता था, अब हमीरपुर वर्सेस मंडी आ गया है, अब कौन है आप समझ सकते हैं, ड्रामा कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया अभी तक नुकसान हो गया हिमाचल को, 5,000 करोड़ रुपए का बजट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को जिनके साथ मंजूर हुई थी वो बंद भी गई, बड़े बड़े शहर बन गए, कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है ईगो की वजह से। ना इन में से कोई देरा का वफादार है, ना धर्मशाला का वफादार है, अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। और शायद ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी ही आगे बनाएगी, मुझे विश्वास ये बनता जा रहा है।